सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के एएमयू क्लास में फिर से एक बार आपका स्वागत है और मैं आपका अपना दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एएमयू क्लास में लेकर मैथ के अनुपात और समानुपात का अगला मैराथन। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले मैंने ऑलरेडी अनुपात और समानुपात गणित मैराथन का भाग एक डाल रखा है अपने चैनल पर। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वहाँ जब सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको जितने भी वीडियो डाली गई है मैथ से संबंधित क्वेश्चन कंपटीशन के, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट जो भी हो, सब कुछ आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, उसके बाद फिर पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद आपको जो है ये समझ में आएगा। क्योंकि इसके पहले जो मैंने पार्ट पढ़ाया है वो पांच भागों में पढ़ाया है, अनुपात और समानुपात के पांच पार्ट, पांच टाइप के, और उस टाइप में हर प्रकार के क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का पूरा निचोड़ है गणित मैराथन जो कंपटीशन में पूछे गए हैं। इसका पहला पार्ट मैंने दे रखा है, आज मैं आपको दूसरा पार्ट देने वाला हूं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों मैं स्क्रीन पर सवाल मैं यहाँ पढ़ूंगा और स्क्रीन पर भी आपके सवाल आएगा, तो देखिएगा मैं सवाल पढ़ के सोल्यूशन भी करूँगा और आपके स्क्रीन पर भी सवाल आएगा, आप भी देखिएगा और देख के उसको सोल्यूशन करने की कोशिश करिएगा। अगर वीडियो को दोस्तों पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला सवाल हमारे स्क्रीन का क्या आ रहा है। देखिएगा आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सवाल कह रहा है कि यदि 5x² - 3y² संबंधे xy बराबर 11 संबंधे 2 हो तो एक्स बट्टे वाई का धनात्मक मान कितना होगा। 5x² - 3y² एक कोष्ठ में है और अनुपात xy बराबर दोस्तों किया दिया है 11 संबंधे 2। ठीक है, 11 संबंधे 2 हो तो हमसे पूछ रहा है x बट्टे y का मान क्या होगा, वो भी धनात्मक में। ठीक है, ऋणात्मक में धनात्मक। तो आइए सोल्यूशन करते हैं, देखिएगा 1, 2, 3, 4 समानुपात में है और समानुपात का रूल कहता है कि जब 4 हो तो हमको पहले का चौथे में और दूसरे का तीसरे में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिएगा 5x² - 3y². ठीक है दोस्तों, और गुणे 2 हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा xy * 11। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा इसका इसमें गुणा करिए, 5 × 2 = 10x². ठीक है, और इसके बाद होगा 5 × 3 = 15y² 15, ध्यान दीजिएगा मिस हो रहा है यहाँ पे, 3 × 2 = 6 है, 5 × 3 = 15 नहीं है, 3 × 2 = 6 है, 5 × 2 = 10x² और 3 × 6 = y². ठीक है, बराबर 11xy हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपको लिखना है 10x² वो इधर आएगा तो -11xy - 6y² = 0 एक समीकरण बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा इसको हमको करना क्या है, 10 और 6 है, 10 × 6 = 60 हो जाएगा, ये 10 और ये 6, 10 × 6 = 60 हो जाएगा गुणा करने पे। तो हमको इसको इस 11xy को ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पे 60 आए लेकिन घटाने या जोड़ने पे 11 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये खींचा था मैंने इसको बस बताने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 15 चौक को हम 60 लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 10x², ठीक है, -15xy + 4xy और उसके बाद है -6y² = 0 लिख सकते हैं। देखिए 15 चौक 60, 10 × 6 = 60 हो रहा है ना, तो समीकरण ऐसा है कि गुणा करने पर जो है 60 है और जोड़ने या घटाने पर फिर 11 आ जाए। तो देखिएगा -15 में से 4 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस अब इसके बाद कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे देखिएगा
यहाँ अगर हम 5x का मान ले ले तो 5 दूना 10 2x बचेगा, x यहाँ सट गया, और 5 तिहाई 15 3y बचेगा क्योंकि x खत्म ही हो गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ हम 2y का मान ले ले तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4 2x, देखिए जो ये बचना चाहिए उसी तरह इसमें बचना है, 2x हो जाएगा, और माइनस 2 तिहाई 6y बच जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिएगा ये सेम है, तो एक का मान ये हो गया 2x माइनस 3y, और एक ये हो गया आपका 5x प्लस 2y बराबर 0। ठीक है, ध्यान रखिएगा हमको एक्स वाई का मान बताना है, वो भी कौन सा धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो अगर एक एक उठाइए, अगर 2x माइनस 3y बराबर 0 हम मान लें तो 2x बराबर हो जाएगा 3y, तो x बराबर x ये है और y को इधर लेंगे तो x अपान y बराबर हो जाएगा 3/2, यही धनात्मक आ गया, क्योंकि अगर इसका हम करेंगे तो ये जब उधर ले जाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो धनात्मक आंसर ये ऑलरेडी आ गया दोस्तों, यही धनात्मक आंसर आ गया, यानी कि हमारा धनात्मक आंसर यही सही होगा, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर यही सही होगा। स्क्रीन के आपके विकल्प दिख रहा होगा, आपके क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आपके क्वेश्चन का विकल्प सही है ये सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, सी एक्स अपान वाई 3/2। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि मैंने क्या किया है, ये अनुपात और समानुपात से जितने भी कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। स्क्रीन पे आपके सवाल आ रहा होगा, सवाल के किनारे लिख भी रहा होगा कि कहाँ पूछा है, SSC में पूछा है, FCI में पूछा है, जिस कंपटीशन पूछा है वहां लिख के आ रहा होगा, तो ध्यान भी रखिएगा वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं दोस्तों स्क्रीन का अगला सवाल हमारे क्या आ रहा है। तो दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो, मैं यही कहूंगा कि सबसे कम पहले 10 मिनट 15 मिनट वीडियो देखिए, 10-15 मिनट जब वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। और सबसे मजा तब आएगा दोस्तों जब प्लेलिस्ट में जाके इस टॉपिक का पूरा पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि उस हर टाइप के अंदर 5, 7, 6 इस तरह के क्वेश्चन है कई टाइप के घुमा के, तो वो जब पढ़ के इस मैराथन पे आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा कि मैं कौन सा सवाल पढ़ा रहा हूँ और क्या मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, देखिएगा सवाल क्या रहा है। इसे सरल बनाइए, दिया है 2 सही 1/3, संबंध है 3 सही 1/4, संबंध है 1 सही 1/6, 2 सही 1/3, 3 सही 1/4, 2 सही 1/3, संबंध है 3 सही 1/4, संबंध है 1 सही 1/6, इसे सरल बनाना है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पर आपका सवाल आ रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसको सरल बनाना है, तो इसको हम पहले क्या कर सकते हैं, ये मिश्र भिन्न में है तो इसको पहले हम भिन्न बदलेंगे, तो 3 दूना 6 1 7/6 3/3 है, और उसके बाद 4 तिहाई 12 1 13/4। ठीक है दोस्तों, और 6 कनम 6 और 1 7/6, ये हो गया हमका साधारण भिन्न। साधारण भिन्न बदलने के बाद सबसे पहले हम इन तीनों का लस लेंगे, नीचे वाले हर का क्या लेंगे हम लस लेंगे, क्योंकि हमको सरल करना है तो लस लेना पड़ेगा। तो लस देखिएगा 3 है 4 है 6 है, लस लेना अगर आप जानते हैं तो 3 दूना 6 3 1 3 2 6 हो जाएगा, और 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, और 2 4 3 12 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका लॉस होगा 12, यानी इसका लॉस जो होगा वो क्या होगा 12 होगा, 3 4 6 का लॉस हो जाएगा 12। अब देखिएगा, अब उठाते हैं भिन्न को, साधारण भिन्न बदलना है, साधारण इसको मैं बदलना है 7/3, लॉस है 12 × 12 कर लेंगे पहले का, संबंध लगाएंगे 13/4 × 12 कर लेंगे, सभी में बारी बारी से 12 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भिन्न का ये रूल है हमारा। ठीक है, सरल बनाने के लिए, उसके बाद 7/6 × 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 3 चौको 12 4 तिहाई 12 6 दूना 12। ठीक है दोस्तों, 7 चौको 28 होता है, संबंध 13 दूना 26, 13 तिया 39 होता है, संबंध 7 दूना 14 होता है, ये हो गया आपका, ये भिन्न सरल रूप में यही आपका आंसर हो गया। और आपके क्वेश्चन में विकल्प देखिएगा कौन सा सही है, इस क्वेश्चन का हमारा विकल्प सही है दोस्तों सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। ठीक है,
तो ये कह रहा था सरल बनाइए, देखने में आसान लग रहा था लेकिन कई लोग को कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे आके कि अब यहाँ से आगे क्या करें। ठीक है, तो चलिए आप बस समझिए, मैं आपको तरीका बताऊंगा, चैनल से जुड़ेंगे तब। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे। देखते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या है हमारे स्क्रिप्ट का जो आएगा। दोस्तों मजा आ जाएगा आपको, बस आपको थोड़ा सा बस मेहनत करना है, और वो मेहनत नहीं है कह लीजिए, आप बस सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पे जुड़ जाइए, उसके बाद खुद पे खुद जो है जब पढ़ने लगेंगे तो आपको मजा आने लगेगा, समझ में आने लगेगा। चलिए स्क्रीन का अगला सवाल देखिएगा, आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पे। सवाल कह रहा है कि यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर हो तो ए संबंधी बी क्या होगा। विकल्प भी आपके सामने है, कह रहा है ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर हो। ठीक है, ए का 2/3 भाग बराबर है बी के 4/5 भाग के। ठीक है, ये तो कह रहा है सवाल, और तब हमसे पूछा है ए संबंधे बी का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए का 2/3 का मतलब गुणा, मतलब ये हुआ ए गुणे 2/3 बराबर आपका हो गया बी गुणे 4/5। यही है ना दोस्तों, सवाल भी तो आपका यही है, और कह रहा है ए संबंध बी का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर ये ए यहाँ है और इस बी को गुणा है यहाँ लेके आए बट्टे में, तो ये बट्टे में बी हो जाएगा बराबर 4/5 पहले से है। ठीक है, और पूरे का बट्टे ये जब नीचे आएगा, ये गुणा है आएगा तो भाग बनाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 भाग बना दिया। अब चार है, देखिएगा चार है, तो इसका सीधे से सिंपल जवाब है, जब इसका इससे गुणा होता है और इसका इससे, ध्यान दीजिए जब भी चार पदों में हो बट्टे में, दो उधर नीचे दो, तो आखिरी का पहले से, दूसरे का तीसरे से, तो ये हो जाएगा 4/3 बट्टे हो जाएगा 5/2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 4 3 12, 5 2 9 10। ठीक है, 2 5 10, 2 6 12, यानी कि आपका ए संबंध बी, यानी ए संबंध बी ए बट्टे बी है और भाग के रूप में ही संबंध होता है, बराबर हो जाएगा आपका 6/5। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 6/5। विकल्प में देखिएगा आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है, इसमें बी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही है दोस्तों बी, 6/5। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर समझ में आ रहा है, सचमुच दिल से समझ में आ रहा है, तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, तभी आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, और देखते हैं दोस्तों स्क्रीन का अगला सवाल हमारे क्या आ रहा है। तो तैयार हो जाइए, पढ़िए, और दूसरों को भी जो है शेयर करिए, ताकि उन्हें भी जो है समझ में आए, पढ़ने में मजा आए, कहीं कुछ मिल रहा है उनको। ठीक है, शिक्षा ऐसी चीज है दोस्तों कि जितना ही आप उसको जो है बताएंगे दूसरे को, उतना ही आप निखरते जाएंगे, आपको उसका डबल बेनिफिट होगा। जितना आप सामने वाले को बताएंगे उससे कई गुना आपको उसका नॉलेज होगा, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो हिचकिचाइएगा मत, ये नहीं कि हम जानते हैं तो दूसरे को ना बताएं, ऐसा कोई धारणा मत रखिएगा, साफ दिल रखिएगा, इंसान है, 60 साल की जिंदगी है, उसी 60 साल में एक अच्छा इंसान बन के जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए स्क्रीन का अगला सवाल आपके सामने दोस्त आ रहा है। सवाल कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है जिसे यदि 7 16 43 79 में जोड़ा जाए तो वे संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। वे संख्या कौन सी, वो संख्या हमें पता नहीं है, जिसमें यदि 7 16 43 और 79, 7 16 43 79 इसमें जब जोड़ दिया जाता है तो वो संख्या समानुपाती हो जाता है। ठीक है, समानुपाती हो जाता है, तो वो संख्या हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या क्या है, माना वह संख्या x है। ठीक है दोस्तों, क्या है x, जो संख्या जो हमको पता नहीं, हमने मान लिया कि वो संख्या हमारी
एक्स है जिसको इसमें जोड़ने पे वो समानुपातिक है, तो चलिए जोड़ देते हैं। तो 7 + x इसमें जोड़ दिया, संबंध है 16 + x, समानुपात का चिन्ह लगाइए। अगला कह रहा है 43 + 1 और ये हो जाएगा 79 + x। यही तो कह रहा है सवाल हमारा कि जब उसमें उस संख्या को जोड़ दी जाए तो ये समानुपाती हो जाए। तो देखिए ये समानुपाती हो गया, ये समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती में ये संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, अब जब समानुपाती में हो गई तो बाकी काम तो आप जानते हैं कि पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से, तो क्या करेंगे 7 + x गुणे 79 + x। ठीक है दोस्तों, अगला क्या है बराबर 16 + x और 43 + x हो गया। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब गुणा कर दीजिए इसका, इससे पहले 7 का दोनों से फिर x का दोनों से। ठीक है दोस्तों, तो 9 × 7 = 63 होता है, हाथ में लगा 6 और 7 × 7 = 49 और 1 = 50 और उसमें से बच गया 5, 50 × 5 = 55 यानी 553 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 7 से x में करेंगे तो 7x होगा। ठीक है, सभी प्लस है तो प्लस होता जाएगा। अब इससे x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 79x। ठीक है, और x में x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा x2। पहले का गुणा कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरे का देखिएगा 16 से इसमें 16 × 16 = 32, 16 × 3 = 48 का होता है 8, हाथ में लगा 4। ठीक है, 16 × 3 = 48 और 16 × 4 = 64 और 64 × 4 होता है दोस्तों 68, यानी हो गया 16 से इसमें 688, 16 से x में करेंगे तो 16x हो जाएगा और फिर 2 का हो गया। अब इसका दोनों से तो ये इसका करेंगे तो हो जाएगा 43x। ठीक है दोस्तों, और इस x का x में करेंगे तो हो जाएगा x2। अब ध्यान दीजिएगा, अब बराबर की इधर चाहे इसको लाए चाहे इधर ले जाए, माइनस हर हाल में 1 होगा x2, तो यही हम काट लेते हैं क्योंकि इसको माइनस होना ही है तो कटेगा ही, इसलिए हम इसको यही काट लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यही कर लीजिए सब कैलकुलेशन। देखिए 7x और 79x, 2x है तो इन दोनों x को जोड़ दीजिए, 79 और 1 80, 80 और 6 86, मतलब ये हो गया 86x। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद ये इस x को देख लीजिएगा, 86x ये हो गया। देखिए ऐसे कर लीजिए, ये हो गया 86x। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है आपको, देखिएगा ये हो गया आपका, ये जोड़ के जो हो गया आपका 86x हो गया। ठीक है, अब इसको जोड़िए, ये वाला जोड़िए। अब ये देखिएगा 16 है और 43 है तो 6 × 3 = 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 4 = 5, 59x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अगर 59x इधर आएगा तो प्लस के बजाय माइनस कर देगा तो यहाँ के इससे घटा लेगा तो 59 और 1 = 60 होता है। ठीक है, 60 × 10 = 70 × 10 = 80, 21 हो गया और 6 यहाँ पे हुए 27 हो गया, यानी कि हमारा बचेगा 27x सिर्फ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं जो कह रहा हूँ, यही मैं कैलकुलेशन करते रहा हूँ, ज्यादा लंबा बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, अब बच गया सिर्फ ये अंक और ये अंक बच गया। ठीक है, तो देखिएगा ये अधिक है या ये अधिक है, ये अधिक है ये कम है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ है, जब इसको उधर ले जाएंगे तो ये घटाएगा, इसको यहाँ से घटाएगा, तो देखिएगा घटा दीजिए 553 है और 688 है, तो जब घटाएंगे तो 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और 6 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 135 हो जाएगा घट के। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आया होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको समझाते हुए बताया। तो 27x = 135। ठीक है, तो अब देखिएगा x = 135/27। ठीक है, और हमको वह संख्या ही बतानी है, यानी यही x बताना है, अब वही x हमारा आ जाएगा। तो देखिएगा 3 से काटिए तो 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 45 हो गया, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15 और 3 × 5 = 15, x बराबर हो जाएगा 5, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 5। मतलब ये संख्याओं में कौन सी संख्या, क्या कह रहा था हमारा क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि
कि वह कौन सी संख्या है जिसमें ये जोड़ दिया जाए तो ये समानुपाती हो जाए, तो वो संख्या है 5 जिसमें जोड़ दिया जाए इसको तो ये समानुपाती हो जाएंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 5। मतलब आपके विकल्प का कौन सा आंसर सही होगा देखिएगा, आपके विकल्प का आंसर सही होगा दोस्तों सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही सी। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन के साथ ये भी लिखा हुआ आ रहा होगा कि कब पूछा गया है, SSC+2 में, SSC Tier 1 में पूछा गया है या 2 में पूछा गया, FCI में, ASM में, रेलवे में, मेट्रो में कहाँ पूछा गया, सब कुछ आपके स्क्रीन पर आ जाए। ये मैं कंपटीशन से पूछे गए सवाल लगवा रहा हूँ थियरी बताने के बाद। अनुपात और समानुपात गणित मैराथन भाग दो, इसके पहले भाग एक भी मैंने दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कंपटीशन संबंधित क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसीलिए आराम से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अब हमारे स्क्रीन का अगला सवाल कौन सा है जो हमारे कंपटीशन में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं और वीडियो देख रहे हैं, और अगर वीडियो 10 मिनट देखने के बाद अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ हमको इस चैनल से जुड़ना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जुड़ जाइए। एक से एक बेहतरीन सवाल कंपटीशन से लेकर और थियरी के साथ दे दूंगा, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा, ताकि जब सवाल लगाएंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा। चलिए स्क्रीन का अगला सवाल देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सवाल, कह रहा है कि दो संख्याएं 9 संबंधित 16 के अनुपात में हैं, यदि ठीक है हर एक में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2 संबंधित 3 हो जाता है, संख्याएं वो कौन सी हैं। यानी कि दो संख्याओं का अनुपात 9 संबंधित 16 है, तो मतलब हम यहां लिख लेते हैं कि वो दो संख्याओं का अनुपात, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात नौ संबंध 16 दे रखा है हमारे सवाल में, ठीक है दोस्तों। और कह रहा है क्या, यदि हर एक में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो जो अनुपात होता है वो 2 संबंधित 3 हो जाता है, तो संख्या बताइए। तो हर एक में 15 की वृद्धि कर देना है, तो दो संख्याएं जो हमको पता नहीं है उसमें हर एक में 15 की वृद्धि करना है, वृद्धि करना है मतलब वृद्धि मतलब जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि करना है मतलब 15 की उसमें वृद्धि करना है, तब हमारा जो अनुपात बन रहा है, जो अनुपात नया अनुपात हमारा जो आगे है, तो अनुपात जो हो जाता है वो कितना हो जाता है आपका, वो अनुपात आपका हो जाता है 2 संबंधित 3, ठीक है, यही सवाल है। सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 9 संबंधित 16 है, उसमें हर एक में 15 की वृद्धि कर दी जाए तो हमारा अनुपात 2 संबंधित 3 हो जाता है, वो दोनों संख्याएं कौन सी है, यही सवाल हमारा पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने लिख दिया है और बोल भी दिया है, यही जो है मैथमेटिक की भाषा है जो कह रहा था इसके पहले इसी को, ठीक है। तो देखिएगा हम लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याएं हैं, वो संख्या हमको पता रही है, तो हम मान लेते हैं कि माना वो संख्याएं 9x और 16x है, एक दो संख्याओं का अनुपात दिया है तो दोनों को मान लेते हैं, एक को 9x और एक को 16x मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो माना वो संख्याएं 9x और ऊपर 16x है, तो कह रहा है अब अगला स्टेप क्या कह रहा है, उसमें 15 की वृद्धि कर जाए इन्हीं दोनों में, मतलब 15 की इसमें वृद्धि कर जाए और 15 की इसमें वृद्धि कर दी जाए, यही कह रहा है। तो हमारा अनुपात क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है, यही तो कह रहा है दोस्तों। यानी कि ये समीकरण बन के तैयार हुआ, क्या हुआ, 9x+15 / 16x+15 = 2/3, ये हुआ, यही कह रहा था, इसलिए मैंने इसको खींच के दिखा दिया है आसान तरीके से। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस 3 से करिए, 9 × 3 आपका 9 × 3 27 हो जाएगा, 27x, और 15 × 3 45 हो जाएगा, देख लीजिएगा, 9 × 3 27, आप 15 × 3 = 45, क्योंकि ये जब 3 जाएगा तो दोनों से गुणा जाएगा, ठीक है दोस्तों। बराबर आपका इधर करिए, 16 × 2 = 32x, ठीक है, और प्लस 15 × 2 = 30 होगा, कंफर्म हो गया। आप देखिएगा xx अंकल, ध्यान दीजिए बस, ये 32 है और ये 27 है और ये आपका क्या है दोस्तों, 45 है और ये 30 है, ये तो कह रहा है। तो देखिएगा ये 45 से जब उधर जाएगा, ये इधर आएगा, 32 इधर जब आएगा
तो इससे घटाएगा, ठीक है। तो पहले x को घटा लेते हैं, ये 32x है और ये 27x है। जब ये 27x उधर जाएगा तो 32 माइनस 27 हो जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर 27 में से 32 घटा दें, 32 में से 27 घटा, तो 27 और 3 30 होता है, 30 और 2 32 यानी 5 बचेगा, ठीक है दोस्तों। मतलब यहाँ बचेगा 5x, 27 और 3 30 और 2 32 हो गया ना। अब 45 है और 30 है, ये 30 जब इधर जाएगा तो 45 के पास 45 घटेगा, तो हो जाएगा 15 30 10 40 5 45, 5 से कटोगे तो 15 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा x बराबर 3, ये हो गया x की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या है सवाल में, आपके स्क्रीन पे देखिएगा, सवाल में हमसे पूछा है कि संख्याएं वो कौन सी है दोनों। तो x की वैल्यू जो आई है वो ध्यान दीजिएगा, और आपने वो संख्याएं क्या मान रखी थी, 9x और 16x, पहले यही माना था उसके बाद वृद्धि किया था आपने। तो 9x मतलब 9 गुणे एक्स का मान 3 27, ठीक है। 16x यानी 16 गुणे 3 16 3 48, यानी कि हमारा जो संख्याएं हैं वो ये हैं दोस्तों। हमारी संख्याएं कौन सी हैं, 27 और 48 है, यानी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27 और 48। और आपके विकल्प का कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, बी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा बी, 27 और 48। तो दोस्तों ये जो मैं करा रहा हूँ इस समय अभी, ये मैंने ऑलरेडी थियरी में इस तरह के क्वेश्चन दे रखा है, और मेरे ख्याल से टाइप 1 या टाइप 2 में ही ये क्वेश्चन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और देख रहे हैं, तो यहाँ अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मेरा वादा है आप प्लेलिस्ट में जाइए और मेरे टाइप को देखिए, उस थियरी को पढ़ के आइए, उसके बाद इसको आप आँख बंद करके इस सवाल को लगाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन पहले आपको जुड़ना पड़ेगा, यानी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और आपको प्लेलिस्ट की हर चीज़ अवेलेबल हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्क्रीन का अगला सवाल देखते हैं, हमारे स्क्रीन का अगला सवाल क्या आएगा दोस्तों। जुड़िए पहले, तब जाके जो है हमसे बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आपको गणित आती है कि नहीं, बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी, गणित बिल्कुल आएगी। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि गणित से मैं भी डरता था, रियलिटी बता रहा हूँ आपको, मुझे भी गणित से बहुत डर लगता था, जैसे क्या है ये, बड़ा अजीब चीज था, मेरे दिखने में जैसे लगता था मेरे सर को दर्द हो जाता था। लेकिन इसकी सच्चाई को मैंने समझा एक गुरु के जरिए, और तब जाके मुझे पता चला कि इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और ऊपर वाले का कर्म है दोस्तों, भगवान है। यहाँ पे जो है मैं विद्या पढ़ा रहा हूँ, मैंने इतनी मेहनत की, हमेशा प्रैक्टिस करता रहता था, जिसके वजह से आज मुझे हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और मैंने उसमें एक ही चीज़ सीखी कि सबसे पहले बेस तैयार रखो, क्योंकि अगर बेस नहीं आता है तो गणित का सब कुछ बिगड़ जाएगा, बैलेंस ही बिगड़ जाएगा उस पेड़ का, अगर जड़ मजबूत नहीं हुआ तो, ठीक है। चलिए स्क्रीन का अगला सवाल दिखेगा आ रहा है, सवाल कह रहा है दोस्तों कि 17 संबंधित 24 अनुपात में से प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात एक संबंधित 2 हो जाए। ध्यान दीजिएगा सवाल को, बड़ा ही मजेदार सवाल है और आपको दिख भी रहा कब पूछा है। 17 संबंधित 24 अनुपात में प्रत्येक में कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात एक संबंधित 2 हो जाए। 17 संबंधित 24 में कह रहा है प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि वो अनुपात एक संबंधित 2 हो जाए, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या क्या है दोस्तों, x है, जिसमें हम जोड़े इस दोनों में जोड़े या घटाए, ठीक है। सवाल वही कह रहा है कि अनुपात में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या x है। अब सवाल जोड़ने और घटाने का, तो एक ही को लेना है, हम जोड़ना ही ले लेते हैं, यानी कि हम ले लेते हैं 17 + x, पहले संख्या में x जोड़ी जाए और बट्टे में ही तो होगा 17/24, तो 24 + x, तो वो अनुपात हो जाता है 1/2। ये कह रहा है सवाल, तो अनुपात 1/2 हो जाए। तो हमने x मान लिया कि दोनों में x जोड़ दिया जाए तो अनुपात हमारा 1/2 हो जाता है, क्योंकि हमको x मानना ही पड़ेगा, गणित में मानते ही हैं कई चीजों को। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी थोड़ी देर पहले एक और सवाल था, वो क्रॉस मल्टीप्लाई था, इसको भी करिए। 17 × 34 यहाँ कर लीजिए बराबर करके, 17 × 34 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब प्लस 2x,
बराबर आपका ये देखिएगा ये 24 ही रहेगा और प्लस एक सी रहेगा क्योंकि ये एक है। अब देखिएगा ये 2xx है तो 2xx इधर आएगा तो सिर्फ x बचाएगा, ठीक है दोस्तों। ये जब उधर जाएगा, जब वो इधर आ गया ये उधर जाएगा तो 24 10 34 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 10, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का आंसर हो गया माइनस एक्स बराबर माइनस 10 हो गया। और कह रहा है कि कौन सी संख्या है जिसमें 17 और 24 में कौन सी वो संख्या है जिसको जोड़ी या घटाई जाए तो अनुपात एक संबंधित हो जाए। अब देखिएगा सवाल में माइनस 10 आया है मतलब एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का जो मान है वो क्या हो जाएगा माइनस 10 है ना, तो क्या हो जाएगा घटाई जाए, कितनी 10, 10 घटाई जाए। जब भी माइनस में आएगा चिन्ह मतलब वो कम और हो रहा है, मतलब हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी 10 उसमें घटाई जाए। देखिएगा आपके विकल्प का आंसर कौन सा है, यानी आपके विकल्प में आंसर इसका सही हो जाएगा डी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा दोस्तों डी, 10 घटाई जाए क्योंकि ये माइनस में, अगर यही प्लस में होता तो हम लिखते तो 10 बढ़ाई जाए या जोड़ी जाए, जो कुछ भी लिखता वो हम उसको विकल्प के अनुसार जो रहता उसको हम च्वाइस करते, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अब जिसने पढ़ा होगा मेरे थ्योरी को, इस पार्ट के हर भाग को, यानी कि इसके पहले इस टॉपिक का जो भी टाइप मैंने पढ़ा है, पांच टाइप का पढ़ा होगा तो उसे समझ में आ रहा, अगर जो नया है समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे दोस्तों मित्रों कि पहले उसको सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में देखिए, फिर इस पर आइए ना, देखिए कितना मजा आता है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं, हमारे स्क्रीन का अगला सवाल क्या आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है और जो एसएससी से लेके कई कंपटीशनों में पूछे गए हैं उसी कंपटीशनों का सवाल है ये, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ किस तरह के सवाल है कुछ नहीं बस थोड़ा सा घुमाया है, यहाँ से ब्रेन लगाइए थोड़ा सा आपको खेलना है उससे और आपको मजा आ जाएगा प्रैक्टिस के जरिए। चलिए सवाल अगला देखिएगा स्क्रीन पे आप क्या रहे हैं, सवाल कह रहा है कि 4, 10, 12, 24 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हों। कह रहा है 4, 10, 12, 24 4, 10, 12, 24 ठीक है, यही कह रहा है। और आगे कह रहा है प्रत्येक में, हर एक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं क्या हो जाए समानुपाती हो जाए। तो इस प्रत्येक में कह रहा है ना, तो हम मान लेते हैं कि माना वह संख्या क्या है, वह संख्या है दोस्तों x, जिसमें हम प्रत्येक में जोड़े तो वह संख्या क्या हो जाएगी समानुपातिक हो जाएगी। तो जोड़ दीजिए 4 + x अनुपात 10 + x समानुपात 12 + x अनुपात 24 + x यही है। चलिए अब बाकी आप जानते ही हैं, पहले का चौथे से दूसरे का तीसरे से, तो इसका इसका एक साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका देखिएगा 4 + x * 24 + x ठीक है दोस्तों, बराबर 10 + x 12 + x ये हो गया। अब आप गुणा करिए 24 में 4 का गुणा करिए, ठीक है। तो 4 × 4 = 16 + 6 हाथ में लगा 1 और 4 × 2 = 8 + 1 = 99 हो गया, प्लस 4x हो गया आप, प्लस 24x हो गया, ठीक है दोस्तों, आप प्लस x² हो गया, पहले का हो गया, ठीक है। दूसरे का करिएगा 12 × 10 = 120 हो गया, प्लस 10x हो गया, प्लस आपका 12x हो गया और प्लस x² हो गया। फिर इसी तरह का एक क्वेश्चन और था, x² किधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम यही इसको खत्म कर लेते हैं। एक काम पहले कर लीजिए और दूसरा ध्यान दीजिएगा, 4x और 24x है दो है ना, तो 24 और 4 = 28 होता है, ये हो जाएगा टोटल 28x दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 28x, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा आपको अगर, तो यहाँ आ जाइए, यहाँ हो जाएगा 28x पहले वाले का इधर का। अब इधर देखिएगा ये 10 है और यहाँ देखिएगा 12x, मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे x है, ठीक है। तो 12x 12 10 22
22 हो जाएगा, एक एक्स तो दूर इधर आएगा तो घटाना ही है, तो एक्स एक्स है, एक्स को हटा दीजिए पहले, 8 में से ये 6 हो जाएगा और यहाँ ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए 10 10 10 20 2 22, तो ये 6 एक्स सिर्फ बचेगा। यानी कहने का मतलब मेरी ये है कि इसका और इसका जो बचेगा मान वो हो जाएगा सिर्फ 6x, ठीक है। तो अब देखिएगा 96 है और 120 है, तो 120 वहां है, जब 96 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 96 उधर जाएगा तो आपका हो जाएगा माइनस, तो 96 और 400 होता है, और 100 और उसके बाद 20 में इसमें हो गया, तो ये हो गया 24, यानी 6 चौको 24, यानी x बराबर हो गया 4। मतलब वो संख्या हमारी कौन सी है, वो संख्या हमने x मानी है, यानी वही संख्या क्या है 4 है, यानी वो संख्या है हमारी 4। विकल्प का कौन सा आंसर सही है, देखिएगा डी, इस क्वेश्चन का आंसर जो सही है दोस्तों डी 4, क्योंकि हमारा सवाल ही देखिए पूछ रहा था, हमारा सवाल कह ही रहा था कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि ये समानुपाती जाए, तो वो संख्या हमारी 4 है जो जोड़ी जानी चाहिए, तो वो समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो यही था हमारा सवाल, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं इसके लिए अगला सवाल क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं स्क्रीन का अगला सवाल आपके क्या आता है, पहले इसे मिटा लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन का अगला सवाल देखते हैं हमारे स्क्रीन पे क्या आ रहा है, देखिएगा सवाल पढ़ रहा हूं, सवाल क्या रहा है दोस्तों आपके स्क्रीन पे भी है, दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, ठीक है। दो संख्याओं के योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना है। तो दो संख्याओं के योगफल का 30% है, दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं के कह रहा है योगफल का 30%, ठीक है ना, योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के, अंतर के 40% के, ठीक है। और क्या कह रहा है आगे, बराबर है, यहां लिख लेते हैं बराबर, मतलब मैंने उसको अपनी भाषा में जो है सेट कर रहा हूं मैं इसको अपने स्टाइल में, यही स्टाइल आपको समझ में आएगा, वहां ज्यादा लिखने से मजा नहीं आएगा, स्टाइल समझिए। योगफल का 30% कह रहा है दोस्तों, अंतर के 40% के बराबर है। तो आगे सवाल क्या कह रहा है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना है, ठीक है। तो वो बड़ी संख्या और छोटी संख्या भी हमको निकालनी है, यानी हमको मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना वह बड़ी संख्या ए तथा छोटी संख्या बी है, ठीक है दोस्तों। मान लिया कि हमने बड़ी संख्या को ए मान लिया, छोटी संख्या को हमने बी मान लिया। अब ध्यान दीजिएगा सवाल के अनुसार योगफल का 30%, यानी दो संख्याओं के योगफल का 30%, मतलब ए, ध्यान दीजिएगा सवाल एक बार और देख लेते हैं दोस्तों, सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं के योगफल का 30%, ठीक है, यानी कि योगफल मतलब ए प्लस बी ही हमने माना है दोनों संख्याएं, तो उनके योगफल का 30% मतलब 30/100 हो गया, यही हुआ ना, 30% परसेंटेज के लिए 100 बराबर है, कह रहा है अंतर का, यानी कि ए माइनस बी गुणे 40/100 40%, ए प्लस बी योगफल का 30% बराबर है उसके अंतर के 40% के, तो ए और बी ही हमने दोनों संख्या मानी, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। तब हमारा सवाल क्या कह रहा है, बड़ी और छोटी संख्या का मान बताएं, तो देखिएगा इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 × 4 होता है और 2 × 5 = 10 होता है, यही होगा ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 3a + 3b, इस 3 का इसी में तो गुणा होगा, और 10
यही होगा बराबर दो का इस पे गुणा होगा तो हो जाएगा 2a माइनस 2b बटे 5, यही होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई यही करिए सामने आपके यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है। तो 5 से करेंगे तो 5 × 15 a आप प्लस 5 × 15 b, ठीक है दोस्तों, बराबर 10 × 20 a आप प्लस 10 प्लस नहीं ये माइनस है क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस 10 × 20 b, ये है ना दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया, आप देखिएगा 15 a और 20 a, ये 20 है ये 15 है उधर जाएगा तो 15 × 5 = 20 यानी 5 a बचेगा, ठीक है यहां से। अब ये देखा माइनस 20 है ये माइनस ये प्लस 15 है, ठीक है, अगर इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा आपका प्लस ऑलरेडी है ये है ना, तो 20 + 10 = 30 = 5 = 35 ये हो जाएगा 35 b, ठीक है। अब देखिएगा 5 × 5 = 5, 5 × 7 = 35 हो गया, तो आपका हो जाएगा a और b को उधर से ले आए तो b बट्टे में हो जाएगा, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा 7 वहां पहले से है और यहां तो 1 है ना तो 1 यहां हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा a संबंधे b बराबर 7 संबंधे 1, ठीक है। अब हमसे पूछा है क्या, सवाल में पूछा ही है कि छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात, तो देखिएगा a को हमने बड़ा माना था 7 हो गया, b को हमने छोटा माना था 1 हो गया, छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात होगा 7 संबंधे 1, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा 7 संबंधे 1, और देखते हैं विकल्प में कौन सा आंसर सही है इसका। दोस्तों इस क्वेश्चन का विकल्प में आंसर सही है सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा सी 7 संबंधे 1। तो कैसा लगा बताने का तरीका कमेंट्स बॉक्स में बता के चलिएगा, मजा आ रहा है कि नहीं ये भी बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जुड़िए, मजा लीजिए मैथ का, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं स्क्रीन का अगला सवाल हमारे क्या है। दोस्तों इसके पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तो बच्चों के कमेंट्स थे कि उसमें थोड़ा छोटा लिख देता था, मैं छोटा छोटा लिख देता था, खैर आदत थी थोड़ा सा छोटा लिखने की, इसलिए बोर्ड पे भी जो है छोटा लिख देता हूँ। और ये मार्कर से होता है, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ एज ए टीचर वहाँ ऐसा नहीं होता है, वहाँ चाक होता है, तो यहाँ पे मार्कर से जो है छोटा लिखा जाता, तो कमेंट्स में बच्चों का था सर जरा थोड़ा बड़ा लिखिए ताकि जो है हमको और अच्छे से दिखाई दे, तो आज मैं बोर्ड पे बड़ा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पूरे बच्चों को क्लियर दिखाई दे, ठीक है दोस्तों, छोटे में क्लियर नहीं हो पा रहा था। चलिए स्क्रीन का अगला सवाल देखिएगा, सवाल आपके सामने आएगा, सवाल कह रहा है दोस्तों कि यदि दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा। दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो, दो संख्याएं तो सीधे सॉल्यूशन में आई, तो सीधे दो संख्याएं हमने मान लिया, माना वह संख्या a और b है, क्योंकि दो संख्याओं के योग का वर्ग और उसके बाद कह रहा है उनके गुणनफल का 4 गुना है, तो दो संख्याओं के योग का वर्ग यानी कि a प्लस b का वर्ग बराबर क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दो संख्याओं के योग का उनके गुणनफल का 4 गुना हो, यानी उनका गुणनफल मतलब 4ab, यही है ना, ये दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना हो, तब कह रहा है उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा a प्लस b का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और बराबर 4ab, ये पहले से है, ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये जब उधर जाएगा तो क्या करेगा, घटा के 2ab कर देगा, और जब वो 2ab इधर आ जाएगा तो माइनस 2ab कर देगा, ठीक है दोस्तों।
अब देखिएगा ये फार्मूला बन के क्या हो गया, माइनस जिसमें आ जाता है वो हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यही होगा, देखिए सवाल यही सवाल है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? देखिएगा ध्यान समझिएगा भाई, ये उधर गया तो घटाया तो दो बचा, दो उधर है ना, जब उधर से लेके आएंगे तो ये इधर हो जाएगा बराबर, उधर जीरो हो गया, यहाँ खाली हो गया, तो यहाँ जब खाली हो गया तो यहाँ इसको जीरो मान लेते हैं, क्योंकि उसको खाली कर दिया तो यहाँ जीरो हो गया ना बराबर में, यहाँ लिखा नहीं है मैंने लेकिन बराबर जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, ये प्लस का था ये माइनस का है, ठीक है, बराबर जीरो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का बराबर जीरो। तो ध्यान दीजिएगा ऊपर लिखते हैं, ऊपर साफ दिखाई देगा, अगर a माइनस बी बराबर इस वर्ग को वहां कर दे तो जीरो का वर्ग जीरो ही होता है, होता है। अब हम अगर a बराबर उसको b को उधर ले जाएं तो b हो जाएगा, a बराबर b। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं a गुणे एक बराबर b गुणे एक, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन होगा मान में, कोई परिवर्तन नहीं एक से गुणा करने पर, ये आपने जाना ही होगा पहले से। तो मतलब हम लिख सकते हैं कि ए उसको ले आए तो बट्टे बी बराबर एक बट्टे एक, कह सकते हैं इसको, तो हम कह सकते हैं कि ए संबंधे बी बराबर एक संबंधे एक, तो ये भी तो हम कह सकते हैं, है दोस्तों। तो हमारा इस सवाल का आंसर क्या होगा, ए संबंधे बी बराबर एक संबंधे एक, मतलब सवाल हमसे पूछ ही रहा था कि चार गुना हो तो उन संख्याओं का अनुपात कितना होगा, उन संख्याओं का अनुपात होगा ए संबंध बी यानी एक संबंध एक, और विकल्प का कौन सा आंसर सही है दोस्तों, इस क्वेश्चन के विकल्प का आंसर सही है सी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा सी, एक संबंध एक। तो कैसा लगा सवाल कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिएगा, मजा आ रहा है कि नहीं बताइएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं इस फील्ड का अगला सवाल हमें क्या आ रहा है। दोस्तों इस समय चल रहा है अनुपात और समानुपात का गणित मैराथन भाग दो, इसके पहले भाग एक मैंने डाल रखा है और ये हमारा दूसरा भाग है, और इसके बाद एक भाग और दूंगा भाग तीन के रूप में, उसमें भी कुछ कंपटीशन के बेहतरीन बेहतरीन सवाल चुन के लाऊंगा आपके लिए जो पूछा जा चुका है, और उसको मैं सोल्यूशन करके दिखाऊंगा विथ स्क्रीन, आपके सवाल आता रहेगा विकल्प के साथ और मैं यहाँ सोल्यूशन करूंगा, ताकि ये मैं इसलिए दे रहा हूँ थियोरी पढ़ाने के बाद, ये मैं देता हूँ जो भी मैं थियोरी पढ़ाऊंगा जिस टॉपिक को उस पर मैं इस तरह के मैराथन जरूरत के हिसाब से जो जरूरत पड़ेगा देता रहूँगा, उसमें सवाल सीरियल बाय सीरियल आसान थोड़े से और टफ इस तरह के सीरीज में होंगे, ताकि इससे ये पता चले कि कंपटीशन में किस तरह के सवाल पूछते हैं, इसलिए ये देने का पर्पज मेरा यही है, ठीक है दोस्तों। तो अगर उस थियोरी को पढ़ के इसको देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं हमारे स्क्रीन का आखिरी सवाल इस वीडियो का, ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर जो है वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा, आगे देखेंगे। चलिए देखिएगा आखिरी सवाल है स्क्रीन का आपके सामने आएगा, सवाल कह रहा है कि यदि ए संबंधे बी बराबर तीन संबंधे चार हो, बी संबंधे सी बराबर छह संबंधे पांच हो, तो सी संबंधे ए कितना होगा, ए संबंधे बी बराबर तीन संबंधे चार, ए संबंधे बी बराबर तीन संबंधे चार हो और बी संबंधे सी बराबर कितना दिया है दोस्तों, बी संबंधित सी बराबर दिया छह संबंधित पांच हो, तो हमसे पूछा है सी संबंधित ए का मान कितना होगा, ठीक है दोस्तों, यही पूछा हमसे। तो देखिएगा इसका ट्रिक, अगर आपने थियोरी पढ़ा होगा तो देखा होगा, वरना मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक है, मजा आ जाएगा आपको, ज्यादा लंबा इसको बनाने के लिए बहुत लोगों ने कहा इसको लिखिए इसको लिखिए, ऊपर नीचे गुणा करिए, ठीक है कुछ मत करिए, आप सीधे ए बट्टे बी लिखिए गुणे बी बट्टे सी लिखिए बराबर ए बट्टे बी का मान है तीन बट्टे चार और गुणे बी बट्टे सी का मान है छः बट्टे पाँच, बी इसमें दो बार है बी को खत्म कर दीजिए, यहाँ से देखिएगा दो दूना चार होता है और दो तिहाई छः होता है, जो करते जाता है उसको काट दीजिए। अब देखिएगा यहाँ ए बट्टे सी ही तो बचा है सिर्फ, और बराबर देखिएगा तीन तिरी का नौ होगा और पाँच दूना दस होगा, तो हमसे पूछा है सी अपान ए, तो ये ए अपान सी का मान है तो सी को पहले रख लेते हैं, तो सी को पहले रख लेंगे तो सी संबंधे ए बराबर हो जाएगा दस संबंधे नौ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दस संबंधे नौ, ठीक है दोस्तों। बहुत ही छोटा ट्रिक है, इस तरह के जब भी दो दो करके इस तरह से आए, अगर इन दो के अलावा दो चार और आ जाए और दो ही का सिर्फ पूछे, सिर्फ दो का ध्यान दीजिएगा, तो आप बिल्कुल यही ट्रिक अपनाइएगा, 100% आपका सवाल गलत नहीं होगा, मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो ये
स्टाइल है मेरा, देखिएगा और सोल्यूशन करिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा इस विकल्प का आंसर कौन सा सही है। 10 संबंध है 9, बी यानी इस क्वेश्चन का आंसर सही है दोस्तों, बी 10 संबंध है 9, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बताइएगा आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। गणित मैराथन अनुपात और समानुपात का भाग 2 अगर आपको पसंद आया हो और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और दोस्तों मित्रों में भी शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी पता चले, वो भी चैनल से जुड़े। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़िए, आप सिर्फ जुड़िए, मैं आपको एक से एक बेहतरीन ट्रिक तरीका मैथ का बताऊँगा कि मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय।